स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो होने जा रही है हमारी होंडा एक्टिवा पे। ये गाड़ी हमारी है, हमारे यहाँ टू व्हीलर का काम वैसे नहीं होता है क्योंकि ये हमारी थी, इस वजह से ये डेंट पेंट हो रही है। गाड़ी कैसी दिखती थी वो दिखाने से पहले ही पूरी गाड़ी खोल दी गई थी। फिलहाल हम जो बताएंगे आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ये गाड़ी दो कलर में थी, बीच का पैनल जो था वो ब्लैक कलर में था और बाकी जो था वो पल वाइट में था, मतलब आगे से ब्लैक और पीछे से ब्लैक थी बीच का, और बाकी साइड जितना पोर्शन था वो वाइट कलर था पल वाइट में। और ये जो हम रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे फॉग लाइट लगाई थी हम लोग ने जुगाड़ से, तो वो फॉग लाइट लगा तो दी थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि वो लाइट ऊपर जाती थी नीचे की जगह। तो ये गाड़ी की लगभग 4 दफ़े पेंट हो चुकी है। ये सबसे पहले जो इसका ओरिजिनल कलर था वो वाइट कलर था, उसके बाद ये पूरी रेड कलर की हुई, रेड कलर होने के बाद इसके बाद ये पूरी पल वाइट कलर हुई, नहीं पल वाइट से पहले फिर इसमें डबल शेड दिया गया वही जैसा कि जो अभी बता रहा था मैं, ब्लैक और आधी ब्लैक और आधी रेड, बीच का पोर्शन ब्लैक और बाकी किनारे वाला रेड। फिर उसके बाद ये गाड़ी पूरी पल वाइट करी गई, पूरी पल वाइट, ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं। फिर उसके बाद फिर मॉडिफाई किया गया इसको, ब्लैक किया गया बीच का पार्ट और फॉग लाइट वगैरह लगाई गई, और अब जाके ये फाइनल जो हो रहा है ये वाइट कलर हो रहा है। इसमें जो ये पल वाइट नहीं है, इसमें जो वाइट कलर हो रहा है वो क्रेस्टा का कलर है, इनोवा क्रेस्टा जो कलर आती है वो कलर होने जा रहा है इसमें। और वीडियो आप काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि एक्टिवा वगैरह ज़्यादा काम नहीं होता है, हमारे यहाँ टू व्हीलर का काम नहीं होता है, सिर्फ फोर व्हीलर का काम होता है। ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हमने बनाई है। तो और जो हमने रिपेयरिंग करी है वो भी आप देखेंगे कितना बढ़िया रिपेयर हुआ है। हालाँकि हम नया ले सकते थे लेकिन 800 रुपये का नया आ रहा था और गाड़ी पुरानी है, ज़्यादा मतलब नहीं होता है खर्चा करने का, जितना काम फ्री में हो जाता है वही होगा इसमें। बाकी थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके सीट कवर वगैरह फटे हुए हैं, तो वो आगे की वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो एंजॉय करें। ये गाड़ी हमने कंप्लीट पूरी फिटिंग खोल के पेंट करी है। इससे पहले भी हालांकि हमने अपनी एक्टिवा पेंट कर चुके हैं लेकिन वो खोल के नहीं करी थी क्योंकि वो गाड़ी ज़्यादा चलती थी और वो अगर पेंटिंग खोल के करेंगे तो काफ़ी दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे। तो ये वाली तो पूरी खोल के हुई है और इसमें सब कुछ पेंट किया गया है, बाहर का पार्ट भी और अंदर का पार्ट भी पूरा पेंट किया गया है। और इस तरीके से अगर कोई भी टू व्हीलर आप पेंट कराते हैं तो उसमें 4,500 से लेकर 5,000 तक का खर्चा आता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, अगर पार्ट वगैरह चेंज करने पड़ गए तो ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ तक हमारी गाड़ी पेंट हो गई, फिटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं गाड़ी कैसी लग रही है। हमने सिल्वर वाला काम कुछ नहीं किया है, गाड़ी नीचे से पूरी ब्लैक रखी है, मतलब व्हील वगैरह सिल्वर नहीं किए हैं, वो भी ब्लैक किए हैं, पहले भी ब्लैक थे। बाकी गाड़ी में आप चमक देख सकते हैं, अभी इसकी रबिंग पॉलिशिंग नहीं हुई है और बाद में भी नहीं होगी, कोई हमारी गाड़ी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि चमक वैसे भी रही है। तो अभी इसके सीट कवर्स और मोनोग्राम वगैरह लगना बाकी है, बाकी नंबर भी लिखाना है इसका। लाइटें वगैरह साफ़ हो गई हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं, रेड वाली तो अच्छे से हो गई लेकिन साइड इंडिकेटर अंदर से गंदी हो गई है, तो इस पर हम ब्लैक फिल्म चिपकवा लेंगे। बाकी गाड़ी कंडीशन आपको अब इसके बाद हम पूरी फिटिंग होने के बाद दिखाएँगे, मोनोग्राम लगने के बाद। तो चलिए आपको गाड़ी दिखाते हैं, हालांकि बारिश का मौसम है, पानी गिर गया था, पोछा नहीं है, चलिए देखते हैं।